भवरकुआ थाना क्षेत्र के अग्रवाल नगर में बाइक सवार 5 बदमाशों ने मोबाइल व्यापारी को चाकू मारकर 9 लाख रुपए से अधिक से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से लूट में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल सहित 9,78,000 रुपए बरामद किए गए। दरअसल पूरा मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहाँ पिछले दिनों अग्रवाल नगर में रहने वाले मोबाइल व्यापारी 55 वर्षीय सुरेश गोयल अपनी दुकान बंद कर ड्राइवर के साथ घर जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही वह गाड़ी से उतरे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। व्यापारी के द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू मारकर 9 लाख से अधिक रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वहीं आज हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं लूट का मास्टरमाइंड अरविंद दुबे, हिमांशु, हर्ष नारायण यादव, रोहित सिंह सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से लूट में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल सहित 9,78,000 रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने और भी अन्य लूट के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, जिससे पुलिस को काफी हद तक मदद मिल सकती है। वहीं आने वाले दिनों में पुलिस द्वारा अग्रवाल नगर से शुरुआत करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। जी हाँ, परसों रात की घटना है, 9:15 बजे के आसपास अग्रवाल नगर में। ये मोबाइल दुकान के मालिक हैं मिस्टर गोयल, इनकी दुकान से ये अपने गाड़ी में घर आए और घर के सामने ही जब इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की तो पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए और इनके हाथ में एक बैग था जिसमें पैसे थे, वो लेके चले गए। और इसी क्रम में एक बार उनको किया छुरे से, हालांकि ज़्यादा चोट नहीं थी किंतु उनको फिर भी उपति हुई, तो और वो बैग लेके भाग गए। ये एक सनसनीखेज वारदात थी और एज अ चैलेंज लिया गया इसको। रात भर इन्वेस्टिगेट किया गया और संदेहियों को इसमें राउंडअप भी किया, कई लोगों से पूछताछ की गई, जो भी टेक्निकल इनपुट्स मिल सकते थे वो भी लिए गए। और फिर उसके इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में मैं समझता हूँ विद इन 36 आवर्स इस लूट के सभी 6 आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं और लूटा गया पूरा पैसा भी रिकवर कर लिया गया है। दैट इज़ 9,78,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो ये एक अच्छा काम हमारे एसपी वेस्ट, हमारे एडिशनल एसपी जोन, सीएसपी डीसी सर विशेष अग्रवाल, हमारे टीआई संतोष, भंवर कुमार संतोष, आप सब ने सतत रूप से प्रयास किया। इसमें क्राइम टीम का भी इनपुट अच्छा रहा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि टाइम, मैंने इनको कहा था कि इमीडिएट इसका रिकवरी होनी चाहिए एंड बोथ दीज ऑफिसर्स प्रोमिस्ड कि ये हो जाएगा, बहुत टाइमली करेंगे। उस वक्त चैलेंज था, टोटली ब्लाइंड था, लेकिन अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और ये आरोपी पकड़ लिए गए। अभी इनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो अभी पता कर रहे हैं कि पिछली क्या हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी खंगाल रहे हैं, अभी तो इनिशियली पकड़ा ही है। बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस है, अब उसके पीछे तो संपत्ति अर्जित करना, पैसा धन अर्जन करना ही इसका उद्देश्य होता। तीन आरोपी 10-12 लाख अभी एसपी साहब बता रहे हैं कि इसमें पूर्व में भी ये इसमें से 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं हीरानगर के लूट। अच्छा हाँ, हीरानगर की एक लूट में पहले भी वो अरेस्टेड हैं और उसका भी केस का वो देखेंगे कि किस जगह किस कोर्ट में क्या प्रगति चल रही है और अगर कन्विक्टेड होंगे तो एनहेंस्ड पनिशमेंट के लिए भी विल अप्लाई हाँ। इसमें पुरस्कार 20,000 रुपये का घोषित किया गया था और जो कर्मचारियों ने जिसने इसमें लग के काम किया है और जिनकी की इसमें भूमिका रही है उनको ये इनाम भी दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं ये बात पे आना चाहता था
कल भी मैंने इसी विषय पे अपने आग्रह किया था कि सभी से हमारा यही आग्रह रहेगा कि अपने घर के आगे CCTV अधिक से अधिक लगाएं, प्रतिष्ठानों पे लगाएं, जिससे कि इस प्रकार की यदि वारदात घटती है तो उसके अनुसंधान में पकड़ने में सुविधा मिलेगी, एक सुरक्षा का माहौल बनेगा। मैंने कल भी जिक्र किया था कि करीब करीब 2.5 लाख CCTV हैदराबाद शहर में हैं, जिनकी की फीड वहाँ के कंट्रोल रूम में भी आती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना लाभ वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसीज को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपके माध्यम से मैं पुनः एक बार इसको रिपीट करूँगा कि सबको प्रेरित करें CCTV लगाने के लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों पे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो मकानों के सामने, और एक उसका कैमरा जो है शुड बी रोड फेसिंग, सड़क के पर आने जाने वाले लोगों के ऊपर, गाड़ियों पे उसका कैमरा फोकस रहेगा तो लाभ होगा। एक बात तो ये सर, ये आवाज़ आपको मैं देखा गया कि नज़दीकी लोगों का इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर देखा है। हाँ, ये एक वेरिफिकेशन की कोई सिस्टम पुलिस अपन ने ये बहुत स्कीम्स यहाँ चलाई हैं, मकान मालिक किराएदार वेरिफिकेशन की, जो एम्प्लॉयज़ हम लगाते हैं, मेनियल एम्प्लॉयज़ घरों में काम करने वाले लोग, उनके संबंध में भी ये निर्देश स्टैटिक हैं कि उनका क्रिमिनल वेरिफिकेशन रिकॉर्ड करा लिया जाए, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, इसको पुनः जीवंत करके और सभी को पुनः प्रेरित करेंगे कि इसको अधिक से अधिक उपयोग मिला।